ये डिसेबल लोगों के लिए हैं, जो व्हील चेयर पे हैं उनके लिए बना। ये किस्म की पहचान है कतर की। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अलवखरा बीच, जहाँ पे मैं आ जाया हूँ। और ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये है अलवखरा बीच, जो कि फ्री है सबके लिए, कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई टिकट लगता है, बिल्कुल फ्री है, पब्लिक बीच है। तो आज इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है। ये डिसेबल लोगों के लिए है इधर पे, ये तो आम लोगों के लिए है ही, वो तो चल के दूर तक कहीं भी जा सकते। ये डिसेबल लोगों के लिए है, जो व्हील चेयर पे हैं उनके लिए बना हुआ है। और यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सब अवेलेबल है। इधर ये पार्किंग है, इधर दूसरी तरफ वहाँ से उसकी तरफ रोड है, ये इधर पार्किंग है, कार पार्क करो और अपना इधर आ जाओ। ये यहाँ पे बारबेक्यू एरिया बना हुआ है और यहाँ पे कुछ लोग आए हुए भी हैं, अरबी लोग, अपना सामान ले कर खाना वाना बनाने के लिए। इधर पे काम चला रखा है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने कुछ फोटोज लगाई हुई है कतर की। ये समुद्र के अंदर का है और ये कुछ और परिंदों की लगा रखी है, इस तरीके से ये बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे ये कुछ ऐसा बना रखा है। और अब चलते हैं बीच की तरफ को। और ये इधर से इतना लंबा, बहुत लंबा बीच है और बहुत दूर तक है इधर पे भी है। और ये है अलवखरा पब्लिक बीच। और यहाँ से पानी जाए ना, थोड़ा सा वो हो गया है, कम हो गया है। और समुद्र का पता नहीं किस तरीके से होता है, मुझे तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये चढ़ता कम होता रहता है। अभी शाम के टाइम शायद वापस चढ़ जाएगा, ऐसे कम ज़्यादा होता रहता है। पृथ्वी का रोटेशन के हिसाब से कुछ होगा हिसाब, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो अभी यहाँ पे हाल ही में पानी कम है, यहाँ का पानी सूख गया है थोड़ा। अब बारी है पानी में। पानी में चलते हैं और कीचड़ जैसा हो रहा है। अबे अबे अबे, हाँ हाँ बहुत बहुत डेंजर है यहाँ पे, तो भाई दूसरी जगह बदलनी पड़ेगी शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पे वो भी है कोकले, यहाँ पे ये यहाँ पे समुद्र में जो पाया जाता है ये वो है, ये बहुत मिलते हैं यहाँ। और ये है यहाँ की खासियत, ये मिलता है जो यहाँ समुद्र में, ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। ये किस्म की पहचान है कतर की। और यहाँ से बारी है पानी में घुसने की, चेक करने की। पानी काफ़ी साफ है, काफ़ी साफ दिख रहा है, कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन है। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कितना साफ दिख रहा है। और इधर से ये है
यहाँ भी थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा पानी कम है। पानी कम क्या है, यहाँ पे इन्होंने या तो रेत कम डाली हुई है, या जैसे इधर को ये दिख रहा है, इधर को ये चुभ रहे हैं पैरों में यार, चुभ रहा है, पानी कम है इसमें, और पानी कम है और रेत नहीं डाल रखी है, जैसे रेत पड़ी हुई होती है बीच में, जिससे कि क्या नाम जाए ना, लोगों को घुसने में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है समुद्र का, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना बड़ा, बहुत लंबा बीच है, बहुत दूर तक जो है ना उधर लास्ट तक दिख रहा है ये, और इधर से लेके ये दूर वहाँ तक है। तो मैं तो इसके करीब वाले गेट से ही एंटर हो गया था, बाकी इसका आगे भी एक गेट है, दो तीन दिख रहे हैं मुझे, तो वहाँ मैं फर्स्ट वाले से हुआ था एंटर, यहाँ पे एक सेकंड है और थर्ड उधर को होगा कहीं। तो काफ़ी सही है, काफ़ी इतना भी बुरा नहीं है। और अब बारी है इसको विदा कहने की, यहाँ से जाने की, क्योंकि यहाँ पे नहाने का कोई ऐसा हिसाब नहीं है, स्विमिंग के हिसाब से सही नहीं है, बाकी जो है ना बारबेक्यू वगैरह फैमिली के साथ बच्चों के साथ खेलने के लिए एक्टिविटीज़ करने के लिए सही है, लेकिन नहाने के हिसाब से स्विमिंग के हिसाब से बढ़िया नहीं है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का ब्लॉग अलवखरा बीच के बारे में, जल्द मिलूँगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।